अभी कक्षा 10वीं के छात्र और आपका भी 7 मार्च 2024 को समाज विज्ञान का बोर्ड परीक्षा है, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी आपको क्या करना है, स्किप नहीं करना है, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद से यहाँ पे 65+ नंबर आपका फिक्स हो जाएगा सर, आपको मिलने वाला है। अगर आपने कुछ ना कुछ तैयारी किया है तो आपको 70 में 70 नंबर भी मिल सकता है, क्योंकि 2024 का वायरल पेपर मेरा चुका है समाज विज्ञान का, देख सकते हैं ऐसा ही पेपर क्या होगा आपको बोर्ड परीक्षा 2024 में देखने के लिए मिलेगा, बिल्कुल ये वायरल मॉडल पेपर से क्या हो रहा है, ये पेपर क्या हो रहा है, वायरल हो रहा है। तो अगर आपका भी सपना है बोर्ड परीक्षा में यहाँ पे 70 में 70 नंबर पाने का, तो इस वायरल मॉडल पेपर का सोल्यूशन को जरूर देखिएगा। आप एक एक प्रश्न आपको बताने वाला हूँ, चाहे मानचित्रकार हो, चाहे आपका लॉन्ग प्रश्न हो, शॉर्ट प्रश्न हो, एमसीक्यू, सभी के प्रश्न आपको बताने वाला हूँ। अगर इन प्रश्नों को तैयार कर लेते हैं तो वहाँ पे 70 में 70 नंबर पाने से आपको कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि ये वायरल पेपर आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पे देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, जब आप पेपर देने जाएंगे तो कुछ इस तरह का पेपर आपके सामने रहेगा, यहाँ पे कोड वगैरह रहेगा, विषय रहेगा, यहाँ पे आपको समय दिया रहेगा 3 घंटे 15 मिनट, और यहाँ निर्देश लिखा गया जिन्हें आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे बता रहे जो खंड अ होगा जिसमें आपको 20 बहुविकल्पी प्रश्न मिलेंगे, इनका उत्तर क्या करना है, इस प्रकार का ओएमआर शीट आएगा, ठीक है ना, इस प्रकार का ओएमआर शीट आएगा, इसी में क्या करना आपको भरना है। तो यहाँ पे आप लोग ओएमआर शीट में पेपर में लिखेगा, लेकिन मैं यहाँ पे क्वेश्चन पेपर में आपको टिक लगा के बता दूंगा कि कौन सा आंसर सही होगा। यहाँ पे खंड अ का जो पहला प्रश्न दिया गया बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, देख सकते हैं बिल्कुल वायरल पेपर का वायरल प्रश्न आपको दिया गया कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, आपको बताना कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, वर्ष 1788 में हुआ था, वर्ष 1789 में हुआ था, वर्ष 1790 में हुआ था, या वर्ष 1787 में हुआ था। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, लेकिन आप सभी को याद रखना करेक्ट आंसर यहाँ पे ख वाला हो जाएगा। तो यहाँ पे बोर्ड परीक्षा में क्या करना है, इस प्रकार का ओएमआर शीट होगा, यहाँ पे पहले वाले का ख सही है, तो यहाँ पे बी पे आप क्या करेंगे, गोला बना देंगे। तो वायरल पेपर का दूसरा प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट दिया गया है कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ था, आपको बताना है कि भाई राष्ट्रवाद का जो प्रारंभ हुआ था वो किस देश से हुआ था। 4 ऑप्शन दिखा देते हैं, लेकिन अगर आपका भी सपना है समाज विज्ञान में 70 में 70 नंबर पाने का, मात्र एक ही शर्त है कि आपको वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट से देखना है, तभी आपको 70 में 70 नंबर मिल पाएगा। चूंकि वीडियो को स्किप कर करके देखेंगे तो आपको प्रश्न समझ में नहीं आएगा, और ये बहुत तेजी से पेपर क्या हो रहा है, वायरल हो रहा है, इसका पूरा सोल्यूशन जरूर देख लीजिए। तो चलिए आपको ऑप्शन दिखा देते हैं, आप देख सकते हैं जो दूसरा प्रश्न आपको दिया हुआ था कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ हुआ था, यहाँ पे फ्रांस है, भारत है, जर्मनी है, इटली है, आपको बताना है भाई राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ था। तो आप सभी को बता दूं कि यहाँ पे जो करेक्ट आंसर कोवला हो जाएगा, फ्रांस से क्या हुआ था राष्ट्रवाद का, आपका शुरुआत हुआ था, आपको याद रखना है। यहाँ पे तीसरा प्रश्न देख सकते हैं, इस वायरल पेपर का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको दिया गया है, प्रश्न कह रहा है कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है, आपको बताना है कि हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखा था। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको इस पेपर में दिया गया है, पहला सरदार पटेल है, दूसरा बाल गंगाधर तिलक है, तीसरा महात्मा गांधी है, सुभाष चंद्र बोस दिया गया है। तो आप सभी को याद रखना है कि हिंद स्वराज जो पुस्तक इसके लेखक महात्मा गांधी है, तो गोवल ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं 4 नंबर प्रश्न आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट दिया गया है, वायरल पेपर का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको दिया गया है कि 1929 में आर्थिक मंदी का मुख्य कारण क्या था, कृषि क्षेत्र में अधिक उत्पादन था, अत्यधिक निवेश था, बैंकों का निजीकरण था, उद्योगों की संख्या में वृद्धि था। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, लेकिन आप सभी को याद रखना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कृषि क्षेत्र में अधिक उत्पादन क्या था, हमारा करेक्ट आंसर होगा, आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न इस वायरल पेपर का आपके सामने दिखाई देगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न दिया गया है, देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल वायरल पेपर है, इसका जो प्रश्न आपको दिया गया बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रश्न कह रहा है कि औद्योगिक क्रांति किस देश से प्रारंभ हुई थी, अमेरिका से हुई थी, रूस से हुई थी, इंग्लैंड से हुई थी, या चीन से हुई थी। आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में, अपने आप को भी आप लोग पहचानिए क्या इस वायरल पेपर के प्रश्न तैयार है कि नहीं तैयार, अगर नहीं तैयार है तो इनको जरूर तैयार करिए, क्योंकि यही सब प्रश्न क्या होंगे बोर्ड परीक्षा में आपसे पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे याद रखना है करेक्ट आंसर ग वाला हो जाएगा, औद्योगिक क्रांति की जो शुरुआत हुई थी इंग्लैंड से हुई थी, आपको याद रखना है। चलिए यहाँ पे इस वायरल पेपर का 6 नंबर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको दिखाई देगा, प्रश्न आपको क्या कह रहा है कि मार्टिन लूथर कौन था, आपको बताना है कि भाई जो मार्टिन लूथर था वो कौन था, वैज्ञानिक था, धर्म सुधारक था, राष्ट्रवादी नेता था, या लेखक था। तो जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, आपको आंसर बता देते हैं, इसका करेक्ट आंसर ख वाला हो जाएगा, धर्म सुधारक था। लूथर क्या था, एक धर्म सुधारक था, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए इस वायरल पेपर का आपको 7 नंबर का प्रश्न दिखा देते हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा अजैवी संसाधन है, आपको बताना इसमें से कौन अजैवी है। पहला आपको चट्टाने दिया गया है, दूसरा आपको पशु दिया गया है, चलिए आपको 2 और ऑप्शन दिखा देते हैं। 2 और ऑप्शन आपको दिया गया है, पौधे दिया गया और मछलियां दिया गया। तो आप सभी जानते हैं कि पौधे हमारे क्या है, सजीव है, मछलियां भी सजीव है, और आपको पशु दिया गया है तो पशु भी हमारे सजीव है। तो यहाँ अजैवी पूछा है, तो हमारे चट्टाने का वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए इस वायरल पेपर का आपको 8 नंबर का प्रश्न करा देते हैं, और स्टूडेंट याद रखना ये बिल्कुल वायरल पेपर है, बहुत तेजी से पेपर वायरल हो रहा है। सामने 8 नंबर का प्रश्न आ गया, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है, कह रहा है कि चिपको आंदोलन का संबंध किससे है, मृदा संरक्षण से है, वन संरक्षण से है, वायु संरक्षण से है, जल संरक्षण से है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, जल्दी से आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। आप सभी को बता दूं कि चिपको आंदोलन का जो संबंध है वन संरक्षण से है, तो यहाँ पे खोवल ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा,
यहाँ देख सकते हैं 9 नंबर का प्रश्न आपको दिया गया है कि काली मिट्टी में उगाई जाने वाली मुख्य फसल क्या है, गेहूं है, कपास है, मक्का है या बाजरा है। तो आप सभी को याद रखना है भाई, इसका करेक्ट आंसर ख वाला हो जाएगा। कपास क्या होता है, काली मिट्टी में उगाया जाता है, आपको याद रखना है। चलिए 10 नंबर का प्रश्न, वायरल पेपर का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा होगा। प्रश्न कह रहा है इनमें से कौन सी रबी फसल, आपको बताना इसमें से कौन सी ऐसी फसल है जो रबी फसल होगा, चावल होगा, मोटे अनाज होगा, चना होगा या कपास होगा। तो जल्दी से आप लोग बताइए इसमें से कौन सी रबी फसल है। यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका कवल हो जाएगा, चावल क्या हो जाएगा आपका, रबी फसल हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे वायरल पेपर का देख सकते हैं 11 नंबर का मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आ गया है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है, सौर ऊर्जा है, कोयला है, पवन ऊर्जा है या ज्वारी ऊर्जा है। तो जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए भाई कौन सा ऊर्जा इसमें परंपरागत स्रोत होगा। तो आपको याद रखना कि खवल ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पे कोयला करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 12 नंबर का प्रश्न भी आपको वायरल पेपर का दिखाई दे रहा होगा। प्रश्न कह रहा है कि भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार किस माध्यम से होता है, सड़क मार्ग से होता है, समुद्री मार्ग से होता है, रेल मार्ग से होता है या वायु मार्ग से होता है। तो 12 नंबर प्रश्न का जल्दी से आंसर बताइएगा, हो जाएगा खवाला हो जाएगा, समुद्री मार्ग हो जाएगा। अगर आपको इस प्रश्न में कोई भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि कुछ लोगों को लगे कि सड़क मार्ग करेक्ट होना चाहिए, अगर आपको इसमें डाउट होता है तो जरूर बताइएगा। 13 नंबर का प्रश्न वायरल पेपर का आपको दिया गया है, बहुत ही जानदार बहुत ही शानदार प्रश्न दिया गया है। विश्व में कहां संघात्मक शासन नहीं है, भारत में, बेल्जियम में। आपको दो और ऑप्शन दिखाते हैं फिर आपको सही आंसर बताते हैं। आपको दो और ऑप्शन दिया गया, संयुक्त राज्य अमेरिका दिया गया और श्रीलंका दिया गया। तो बता दूं जो आपको करेक्ट आंसर यहाँ पे भारत हो जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे भारत दिया गया, तो कवल ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आपको नेक्स्ट प्रश्न कराते हैं। 14 नंबर का प्रश्न इस पेपर का आ गया है, बिल्कुल वायरल पेपर है। यहाँ पे प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संघीय सूची का विषय है, रक्षा है, कृषि है, व्यापार है या शिक्षा है। तो जल्दी से आप लोग आंसर बताइएगा, करेक्ट आंसर यहाँ पे रक्षा हो जाएगा, कवल ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। 15 नंबर का प्रश्न देख सकते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आसान प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा क्या है, उर्दू है, अंग्रेजी है, हिंदी है या पंजाबी है। तो आप सभी को याद रखना कि भारत में सबसे ज्यादा क्या होता है, हिंदी बोला जाता है, तो कवल ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 16 नंबर का प्रश्न आपको वायरल पेपर का दिखाई देगा, बहुत ही ज्यादा वायरल प्रश्न है। ये प्रश्न कह रहा है कि विकास का महत्वपूर्ण घटक है आय है, औसत आय है, राष्ट्रीय है या उच्च विकास है। तो जल्दी से आप आंसर दे दीजिए फिर आपको सही आंसर बता देते हैं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा औसत आय, यानी ख वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं ये 17 नंबर का प्रश्न तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भाई, ये 100% बोर्ड परीक्षाओं में पूछा जाएगा प्रश्न कि लोकतंत्र में शक्ति का स्रोत कौन है, जनता है, संसद है, प्रधानमंत्री है या राष्ट्रपति है। यहाँ पे चार ऑप्शन आपको दिया गया है, जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। तो भाई आप जानते हैं कि लोकतंत्र में शक्ति का स्रोत किसे माना जाता है, जनता को माना जाता है, तो कवल ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वायरल पेपर का 18 नंबर का प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है, सेवा क्षेत्र निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है, प्राथमिक क्षेत्रक में, द्वितीयक क्षेत्रक में, तृतीयक क्षेत्रक में या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से आप लोग आंसर बताइए 18 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा। आपको अपने आंसर को भी चेक करना है, करेक्ट आंसर यहाँ पे गोबल हो जाएगा, तृतीयक क्षेत्रक आपका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे वायरल पेपर का 19 नंबर का प्रश्न देख सकते हैं, आपको कह रहा है सहायता समूह में बचत और ऋण संबंधी अधिकतर निर्णय लिए जाते हैं, किसके द्वारा लिए जाते हैं। तो चलिए आपको चार ऑप्शन दिखा देते हैं, दिया गया है पहला ऑप्शन आप देख सकते हैं आपको बैंक द्वारा दिया गया है, दूसरा आपको दिया गया सदस्यों द्वारा, तीसरा दिया गया गैर सरकारी संस्था द्वारा और चौथा आपको दिया इनमें से कोई नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर ग वाला हो जाएगा, यही बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए 20 नंबर का प्रश्न आपको बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट दिया गया है, ये भी प्रश्न आपको बोर्ड परीक्षा में पूछा जा सकता है। प्रश्न कह रहा है उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब बनाया गया था, सन 1990 में, सन 1995 में, सन 1986 में, 1999 में। तो चार ऑप्शन आपको दिया गया, इसमें से कोई एक ऑप्शन करेक्ट होगा। तो अगर आपको इस प्रश्न का आंसर पता होगा, चूंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएंगे, हम देखेंगे कि कौन स्टूडेंट क्या करता है इसका आंसर बताता है। तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। और जहां तक मुझे लग रहा है कि इस वायरल पेपर के ये जो 20 प्रश्न है आपको तैयार हो गए होंगे, इनको तैयार कर लेते हैं तो यहाँ पे 20 नंबर आपका पक्का होने वाला है, चूंकि ये बिल्कुल वायरल पेपर है। यहाँ पे देखिएगा इसके बाद से आपके सामने आएगा खंड ब, और खंड ब में आपको 50 नंबर के वर्णात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया वर्णात्मक प्रश्न 1, इसका उत्तर आपको लगभग 80 शब्दों में देना है। यहाँ पे जो भी प्रश्न बता रहा हूँ इनको जरूर तैयार करेगा, आप आपको 50 नंबर मिलने वाला है। प्रश्नों को मैं सिर्फ आपको बता देता हूँ कि कौन कौन सा प्रश्न तैयार करना, इसका सोल्यूशन मैं नहीं करा पाऊंगा, चूंकि इसका सोल्यूशन कराऊंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। ताकि ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, वायरल है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं इसका अलग से वीडियो डालूंगा। लेकिन हम
लेकिन हम लास्ट प्रश्न का सोल्यूशन आपको जरूर कराएंगे, क्योंकि मैप वाले प्रश्न क्या है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको मैप में आपको भर के बताऊंगा कि कैसे भरना। अगर आपको भी मानचित्र कार्य करना नहीं आता होगा, मानचित्र भरना नहीं आता होगा, मानचित्र का ट्रिक नहीं पता होगा, तो लास्ट वाले प्रश्न को जरूर देखिएगा, क्योंकि ये जो 9 नंबर के प्रश्न है यही क्या होंगे आपको बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। एकदम 100% आपको कंफर्म रहना है कि मैप वाले प्रश्न भी आपको बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। तैयार कर लीजिएगा कि प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली महामंदी के कारणों की समीक्षा करना आपको 4 नंबर मिलेगा, या अथवा आप लोग तैयार कर सकते हैं कि ऑटो वन बिस्मार्क को जर्मनी के का जनक क्यों कहा जाता है, 2 कारण, ये भी 4 नंबर का है। तो चाहे आप इसको करिए, चाहे इसको करिए, अथवा करके आपको बोर्ड परीक्षा में आएगा। फिर आपको जो प्रश्न तैयार करना है 4 नंबर के लिए, दूसरा वाला कि सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, इस कथन की विवेचना आपको करना है, 4 नंबर मिलेगा आपको। अथवा दिया हुआ है कि वैश्वीकरण ने किस प्रकार राष्ट्रीय कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों के रूप में उभरने का योग बनाया, तो आप लोग इसको भी कर सकते हैं, 2-2 ऑप्शन आपको दिया जाएगा। तीसरा जो प्रश्न आपको तैयार करना है 4 नंबर का प्रश्न है कि अपने प्रदेश के 2 क्षेत्रीय दलों का उल्लेख कीजिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग जरूर पढ़िएगा। अथवा आपको दिया गया परिवहन तथा संचार के साधन किसी भी देश की जीवन रेखा तथा आगे के प्रश्नों को चलिए आपको अर्थव्यवस्था क्यों कहा जाते हैं, तर्क सहित उत्तर देना, यहाँ भी आपको 4 नंबर मिलेगा। चौथा प्रश्न आपको तैयार करना है कि जैव विविधता क्या है, यह मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। अथवा आपको दिया गया है अच्छे बाजार के प्रमुख लक्षणों को संक्षेप में विवेचना कीजिए, तो इसको तैयार कीजिए, क्योंकि बिल्कुल वायरल पेपर है और इसके प्रश्न भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यही सब प्रश्न क्या होंगे आपको बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। यहाँ पे देखिएगा, इसके बाद से जो प्रश्न आएगा ना 5 नंबर का, उसे बोला जाता है वर्णात्मक प्रश्न 2, और इसे लॉन्ग प्रश्न बोला जाता है, दीर्घ उत्तरी प्रश्न बोला जाता है। इसका आंसर आपको 150 शब्दों में देना है। जैसे देखिए, इसके लिए जो आपको प्रश्न तैयार करना है 5वां, कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों प्रारंभ किया, आंदोलनकारियों के 4 कार्य लिखिए, 6 नंबर आपको मिलेगा। इसके बाद आपको तैयार करना है सत्याग्रह का क्या अर्थ है, सत्याग्रह पर गांधी जी के क्या विचार थे, ये भी 6 नंबर, तो 2-2 आपको दिया जाएगा, कोई एक ही आपको करना है। चलिए 6 नंबर का जो प्रश्न आपको तैयार करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लोकतांत्रिक सुधार का क्या अर्थ है, इसके लिए उठाए जा सकने वाले किन्हीं 4 कदमों का उल्लेख करिए, 6 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। अथवा आपको दिया गया है कि भारत में पाई जाने वाली मुख्य फसलों पर एक लेख लिखिए, 6 नंबर आपका यहाँ पे फिक्स होने वाला है। 7 नंबर का प्रश्न आपको तैयार करना है, देख सकते हैं 6 नंबर आपको मिलेगा, कि वैश्वीकरण का क्या अर्थ है, वैश्वीकरण का कृषि पर पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन कीजिए। दिया गया है कि भारत में तृतीय क्षेत्र का महत्व बढ़ाने के लिए 3 कारण विस्तार पूर्वक लिखिए, 6 नंबर आपका पक्का होने वाला है। 8 नंबर का प्रश्न देख लीजिए, इसको बिल्कुल भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा, कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिक सामाजिक भेदभाव के शिकार है, क्या आप इस कथन से सहमत है, कारण सही उत्तर देना यहाँ पे 6 नंबर, या अथवा करके एक और प्रश्न दिया गया है, तो चलिए वो भी प्रश्न दिखा देते हैं। देखिए आपको अथवा करके यहाँ पे प्रश्न दिया गया कि मानव विकास सूचकांक क्या है, मानव विकास नापने वाले मूलभूत आयोगों का वर्णन कीजिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, 100% ये बोर्ड परीक्षा में प्रश्न देखने के लिए मिलेगा, तीन प्रश्नों को जरूर तैयार करेगा। आपको प्रश्न दिया गया मानचित्र संबंधित प्रश्न, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, 100% यही प्रश्न क्या होगा बोर्ड परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि यही प्रश्न है जो लगातार बोर्ड परीक्षाओं में पूछा गया। जैसे देख सकते हैं आपको सारे प्रश्न दिया गया है, और यहाँ से मेरे पास मैप है, इस मैप में एक एक प्रश्न को आपको भर के बताऊंगा कि कैसे आपको दिखाना है। तो 9वां का आपको कौ दिया गया, यहाँ पे 2 प्रश्न दिया जाएगा, ख दिया जाएगा और क दिया जाएगा, तो क में आपको यहाँ पे इतिहास से संबंधित प्रश्न मिलेंगे। क्या है कि निम्नलिखित स्थानों को भारत के रेखा मानचित्रों में इस चिन्ह द्वारा क्या करना आपको दिखाना है, सही नाम सही अंकन पे आपको आधा आधा नंबर मिलेगा, एक एक नंबर का प्रश्न होगा। जैसे देख सकते हैं पहला जो प्रश्न आपसे पूछा गया है कि वह स्थान जहां 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन, वो सबसे पहले इन प्रश्नों का आंसर आपको पता होना चाहिए, आंसर पता रहेगा तभी आप लोग दिखा पाएंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मद्रास हो जाएगा, याद रखना इसका करेक्ट आंसर क्या है, मद्रास है। और आपको क्या पहले जितने भी प्रश्न दिए गए हैं उनका मैं आंसर बता देता हूं, बाद में मानचित्र में भर के बताऊंगा कि आपको कैसे दिखाना है, तो इन प्रश्नों को जरूर तैयार करेगा। और प्रश्न कह रहा है कि वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो हत्याकांड कहां हुआ था, तो आप सभी को पता है कि हमारा अमृतसर में हुआ था, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमृतसर, आपको याद रखना है। अभी आपको मानचित्र में भी दिखाऊंगा कैसे आपको दिखाना है। तीसरा आपको दिया गया कि वह स्थान जहां सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह हुआ था, तो आपको याद रखना कि उस स्थान का नाम खेड़ा था, ठीक है ना, खेड़ा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर हमारा पूछ रहा है प्रश्न कि वह स्थान जहां किसान सत्याग्रह हुआ था, तो आपको याद रखना है ये हमारा चंपारण में हुआ था, कहां पे हुआ था, चंपारण में हुआ था। फिर प्रश्न है कि वह स्थान जहां उत्तर प्रदेश की राजधानी है, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी हमारा कहां है, लखनऊ है, तो आपको याद रखना है, कोई आंसर पता रहेगा तभी आप लोग मानचित्र में दिखा पाइएगा। इसके बाद से देखिएगा ये 5 प्रश्न आपको इतिहास से पूछा जाएगा, और यहाँ पे देखिए इसके बाद से आपको फिर से यहाँ पे 5 नंबर का मानचित्र कार्य दिया जाएगा, और ये जो होगा भूगोल से होगा, आप लोग देख सकते हैं
पांच जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, जैसे देखिएगा इसका भी हम आंसर लिख लेते हैं, उसके बाद से आपको मानचित्र में दिखाते हैं कौन कहाँ पे है। यहाँ पे पूछ रहा है कि चाय उत्पादक किसी एक राज्य को इस चिन्ह द्वारा क्या करना आपको दिखाना है, तो आप सभी जानते हैं कि हमारे असम में क्या होता है, चाय का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, तो इसका आंसर असम हो जाएगा। फिर पूछ रहा है कि राजस्थान की राजधानी को इस चिन्ह द्वारा दिखाना है, आप सभी को याद रखना कि राजस्थान की राजधानी क्या है, जयपुर है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे जयपुर हम लोग लिख लेंगे। फिर आपसे पूछा हुआ कि दक्षिण भारत की किसी एक नदी को इस चिन्ह द्वारा दिखाना है, तो यहाँ पे हमारा जो कृष्णा नदी है ना वो दक्षिण भारत की नदी है, तो यहाँ पे हो जाएगा कृष्णा नदी, आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अगला प्रश्न पूछ रहा है कि कॉफी उत्पादक किसी एक राज्य चिन्ह द्वारा आपको दिखाना है, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्नाटक हो जाएगा, आपको याद रखना है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये जो पांचवा प्रश्न है कि सलाल बांध किस नदी पर है, इस चिन्ह द्वारा आपको दिखाना है, तो आपको याद रखना है सलाल बांध क्या है, चिनाब नदी पे है, यहाँ पे हमारा हो जाएगा। और लिख लिया, अब चलिए आपके सामने कुछ इस प्रकार का मैप मिलेगा, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पे क्या करना, अपना रोल नंबर जरूर लिखना है इस पेपर में, इस मानचित्र में अपना रोल नंबर आप लोग जरूर लिखिए। एक हम कल्पना कर लेते हैं कि हमारा रोल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, ठीक है ना, ये हमारा रोल नंबर हो गया, तो आपको रोल नंबर लिख लेना है और पेपर का कोड भी आपको लिख देना है। पेपर का कोड कितना है, 825 क्या है हमारा, FC है। आपको मैं दिखा भी देता हूँ कि वायरल पेपर का कोड देख सकते हैं, 825 आपका FC है, तो यहाँ पे पेपर का कोड भी डाल देना है और आपको यहाँ पे रोल नंबर भी डाल देना है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद एक एक चीज को यहाँ पे साफ साफ आपको दिखाना है। देखिए इस पेपर का जो पहला प्रश्न है, इसका जो आंसर हमारा मद्रास है, तो चलिए आपको बताता है कि भाई मद्रास कहाँ पे है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको पूरा का पूरा जरूर देखिएगा। तो मैप दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे मैं बता दूं कि इसका जो करेक्ट आंसर मद्रास है, तो यहाँ पे जो मद्रास आपका कुछ यहाँ पर है, ठीक है ना, यही आपका क्या हो जाएगा, मद्रास हो जाएगा। तो ऐसे आपको पॉइंट बनाना है, क्योंकि पेपर में हमको यही दिया गया कि आप लोग ऐसे पॉइंट बनाइए, और आपके पास क्या है इस मैप में जगह है, तो आप चाहे तो यहाँ पर भी मद्रास लिख सकते हैं, यहाँ पे आप लोग क्या लिख सकते हैं, मद्रास लिख सकते हैं। अगर आपको इसके अंदर नहीं लिखना है, तो आपको ऐसे लाइन एक खींच लेना है, ऐसे यहाँ पे एक सीधा लाइन इंच से खींच लेना है, और यहाँ पे आपको लिख देना है मद्रास, ठीक है ना, ऐसे आपको लिख देना है। यहाँ पे प्रश्न नंबर 1 का आंसर है, तो यहाँ पे आपको 1 डाल देना है, यहाँ पे 1 डाल देना। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो मैंने यहाँ पे दो जगह लिखा आपको दिखाने के लिए, तो चाहे आप अंदर लिखिए चाहे बाहर लिखिए, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आपको दिखाते हैं दूसरा प्रश्न क्या दिया हुआ है। तो देखिए दूसरे प्रश्न का हमारा आंसर अमृतसर है, तो चलिए आपको दिखाते हैं यहाँ पे मैप में अमृतसर है, तो आपको याद रखना है कि अमृतसर आपका लगभग यहाँ पे है, यहाँ पे क्या है आपका अमृतसर है। तो देखिए मेरे पास क्या है, अमृतसर यहाँ पे मैं नहीं लिख पाऊंगा, तो इसलिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करूंगा, तो आप स्केल से आप लोग अच्छे से खींच लीजिएगा, और यहाँ पे आपको लिखना है अमृतसर, यहाँ पे आपको लिखना है अमृतसर, और यहाँ पे डाल देना है दूसरे का आंसर है, तो यहाँ पे 2 नंबर आपको डाल देना है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए तीसरे प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न का जो हमारा आंसर है खेड़ा है, चलिए आपको मैप में दिखा देते हैं भाई खेड़ा कहाँ पे है, तो खेड़ा लगभग यहाँ पे होगा, खेड़ा गुजरात में है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे जगह है, तो आप अगर आपके पास जगह है तो इसी के अंदर लिखिए, नहीं तो बाहर ऐसे आपको लाइन खींचना है, और यहाँ पे आपको लिख देना है खेड़ा, ठीक है ना, और ये हमारा हो जाएगा प्रश्न नंबर 3 का आंसर, तो इस तरह से आपको लिख लेना है। इसके बाद से देखिए जो नेक्स्ट प्रश्न आपको दिया गया था, इसका आंसर हमारा चंपारण है। आप सभी को पता है बिहार में, तो ये हमारा बिहार है, तो चंपारण हमारा यहाँ पे लगभग हो जाएगा। इस प्रकार से आपको बूंदी बनाना है, और आप चाहे तो यहाँ पर, आप चाहे तो यहाँ पे भी चंपारण लिख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे एरो बनाएंगे, और यहाँ पे बाहर हम लिखेंगे चंपारण, यहाँ पे लिखना है चंपारण, अच्छे से आपको लिख देना है, यहाँ पे नंबर डाल देना है, 4 का आंसर है। फिर देखिएगा अगला जो प्रश्न हमारा जो लास्ट वाला इसमें था 5 वाला, इसका आंसर हमारा लखनऊ है, तो आपको दिखा देते हैं भाई लखनऊ कहाँ पे दिया गया है। वो आपका उत्तर प्रदेश में है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, लखनऊ हो जाएगा। तो ये हमारे पास यहाँ पे अंदर जगह है, तो हम लिख देंगे यहीं पे लखनऊ, हम क्या करेंगे लिख देंगे। आप चाहे तो तीर के माध्यम से भी दिखा सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। प्रश्न आप खत्म होते हैं, अगर आपको कहीं डाउट होगा या मैंने गलत दिखाया होगा, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो भूगोल वाला प्रश्न भी दिखा देते हैं, जैसे देख सकते हैं भूगोल वाला जो पहला प्रश्न आपको दिया गया, असम हमें दिखाना है, यहाँ पे हमें आसाम को दिखाना है, तो यह क्या है मैप है, और आसाम लगभग आपका यहाँ पे हो जाएगा, असम हमारा क्या है यहीं पे है, तो यहाँ पे हम लोग ऐसे बूंदी करेंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे असम, अंदर ही हम लिख देते हैं, और ये हमारा पहले वाले का है, तो यहाँ पे पहले वाला डाल देते हैं। याद रखना है कि ये जो इतिहास के प्रश्न है, इसे क्या करना, हमें इसे डॉट के द्वारा दिखाना है। भूगोल के प्रश्न आते हैं उसमें चिन्ह दिया रहता है, जैसे आसाम को हमें इस चिन्ह द्वारा दिखाना है, वर्ग के द्वारा दिखाना है, यानी हम यहाँ पे क्या करेंगे सिंपल इसको ना बना के आपको क्या करना, ऐसे वर्ग बनाना, इसको आप लोग हटा लीजिएगा, यहाँ पे सिर्फ आपको वर्ग बना लेना है। जैसे
से देखिएगा। दूसरा प्रश्न जो हमको दिया गया है, इसका जो हमारा आंसर जयपुर है, तो हमें जयपुर को दिखाना है। जयपुर पूछा हुआ है, तो यहाँ पे याद रखना कि यहाँ पे कुछ आपका क्या होगा, जयपुर होगा, लेकिन चिन्ह द्वारा दिखाना है, तो हमें प्लस के चिन्ह दो, हमें प्लस का चिन्ह बनाना है। तो इस तरीके से आपको प्लस का चिन्ह बनाना है और यहाँ पे आपको लिख देना है जयपुर, जयपुर लिख देना है, नंबर का हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए तीसरा प्रश्न का आंसर आपको क्या दिया हुआ है, तीसरा प्रश्न आपको दिया गया है कृष्णा नदी। आप देख सकते हैं यहाँ पे कृष्णा नदी दिया गया है, आपको दिखा देते हैं भाई कृष्णा नदी कहाँ पे है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है तीसरा वाला, तो आपको बता दूं कि जो कृष्णा नदी है कुछ आपका यहाँ पे है, यहाँ पे आपका क्या है कृष्णा नदी है, तो दिखाना ऐसे चिन्ह दिखाना हमारा थोड़ा सा गलत हो रहा है, तो आप लोग याद रखिए यहाँ पे हैज के द्वारा दिखाना है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा कृष्णा नदी, यहाँ पे हो जाएगा कृष्णा नदी, ये हमारा हो जाएगा तीसरे का आंसर, आपको लिख लेना है। इसको चिन्ह को थोड़ा सा आप लोग अच्छे से दिखा लीजिएगा। जो प्रश्न है इसका जो हमारा आंसर है कर्नाटक है, तो चलिए आपको दिखाते हैं कर्नाटक कहाँ है और कर्नाटक को इस चिन्ह द्वारा दिखाना है, तो आपको कर्नाटक दिखा देते हैं कहाँ पे है। अब आपको बता दूं कि चिनाब लगभग आपका यहाँ पे है, यहाँ आपका चिनाब है, तो ऐसे क्या करना आपको दिखा लेना, यहाँ पे आपको लिख देना है चिनाब और ये पांच नंबर का है। लेकिन थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे चिन्ह दिखाना है, जैसे देखिएगा कॉफी, जैसे कर्नाटक को इस चिन्ह द्वारा दिखाना है और चिनाब को इस चिन्ह द्वारा दिखाना, डॉट न बना के ऐसे चिन्ह क्या करना आपको दिखा देना, जो चिन्ह देगा उसको दिखाना है। और यहाँ पे जो हमारा कर्नाटक है इसे भी हमें कुछ इस प्रकार के फूल के द्वारा दिखाना है, तो ऐसे क्या करना आपको दिखा लेना है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। क्या किया 70 नंबर के इस वायरल पेपर का सोल्यूशन करा दिया है, कुछ प्रश्नों का सोल्यूशन मैंने नहीं कराया। अगर आपको लगता है कि पेपर इंपॉर्टेंट है, ऐसे प्रश्न आपको बोर्ड परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं इसका पार्ट 2 का वीडियो डाल दूंगा जिसमें इसका फुल सोल्यूशन आपको करा दूंगा। लेकिन इन प्रश्नों को जरूर तैयार करें क्योंकि ये बिल्कुल वायरल पेपर है और ऐसे बोर्ड परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा। अगर मैप में हमसे कोई भी मिस्टेक हुआ तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी का